इंडिया वर्सेस बांग्लादेश गाइस, जो कि तीसरा T20 मैच होने वाला हैदराबाद में। और हैदराबाद की पिच रिपोर्ट है गाइस, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 170 से 200 के बीच में स्कोर बनता है। बहुत ही बढ़िया वेन्यू है और अच्छे खासे स्कोर बनते हैं। और हैदराबाद के तो आपने मैच IPL में देखे होंगे, 250-250 स्कोर भी बना है। तो इससे पता चलता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और इंडिया बैटिंग करती है तो 200 प्लस आपको स्कोर दिख सकता है। तो फिलहाल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के विकेट कीपर में पहला नाम आता है संजू सैमसन, जो कि भाई ऑप्शन है क्योंकि ओपनिंग कर रहा है, उतना खास परफॉर्मेंस तो कर नहीं रहे, मगर इम्पॉर्टेंट है, लेना ही लेना है क्योंकि बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको 20-25 पॉइंट दे ही जाएगा। लेटन दास जो कि भाई दो मैचों में फ्लॉप है, मतलब शॉट मार रहा है अच्छे, मतलब आ नहीं रहे उतने, दो मैचों में फ्लॉप है, हो सके इस लास्ट मैच में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ जितेश शर्मा, जो कि खेलने के मुझे लग रहा है चांस, क्योंकि संजू सैमसन को हटा के जितेश शर्मा को एक चांस देना चाहिए। जे अली भाई लप्पा प्लेयर बोलूँगा, लप्पा मिस एंड हिट वाला है, क्योंकि आते ही घुमा रहा है, मगर भाई तू ओपनिंग थोड़ी कर रहा है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग अलग है जहाँ पे तू परफॉर्मेंस करके आया, ये इंडिया इंटरनेशनल टीम है भाई, इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है, छोड़ो उसको। फिलहाल गाइस विकेट कीपिंग से मैं एक ही ऑप्शन पिक कर रहा हूँ जो कि संजू सैमसन बेस्ट है। बैटिंग की तरफ बढ़ते हैं, पहला नाम आएगा सूर्य कुमार यादव, जो कि हेड टू हेड मैंने रिकॉर्ड देखे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो इस कारण मैं सूर्य कुमार को कप्तान वाइस नहीं बना रहा। दो मैचेस आप देख लो, मैंने दोनों मैचेस में इसको कप्तान वाइस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा है, उतना खास नहीं है, फिर भी टीम में ले रहा हूँ। टीम में इसलिए ले रहा हूँ कि हो सके चल जाए, और आपको पता ही है जब चलता है तो फिर ताबड़तोड़ ही चलता है। रिंकू सिंह भाई कल क्या हुआ था, दिल्ली वाले मैच में 3 से 4 बैट्समैन आउट हो गए थे, तो रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया था और रिंकू सिंह ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। तो हो सके हैदराबाद वाले ग्राउंड में ऐसा हुआ तो रिंकू सिंह आपको फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। अभिषेक शर्मा बैटिंग में तो 11 पे 15 3 चौके, और बॉलिंग भी डलवा दी थी, क्योंकि सब जो ऑलराउंडर थे सबको इस्तेमाल करना था कि क्या कर सकता है, तो सब ने एक एक विकेट लिया है, तो इससे पता चलता है कि इंडिया के पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो भी अच्छी बॉल डालते हैं। उसके बाद निजल हुसैन शांतनु जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मैंने दो बार देखा है, एक या स्विच हिट मारने के चक्कर में आउट हो जाता है या स्पिनर को छक्का चौका मारने के चक्कर में आउट हो जाता है, दो मैच मैंने देखा है, दोनों मैच में संजू क्या वोटिंग है सुंदर ने आउट किया नितेश शांतनु को, तो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है निशन हुसैन शांतनु। T14 एवरेज प्लेयर है जो कि दोनों मैच में फ्लॉप है, हो सके T20 का लास्ट मैच है तीसरा, तो हो सके आपको 30 प्लस करता हुआ दिख जाए। और एक और है मोहम्मद करके है, ये भी भाई हिट एंड मिस टाइप वाला प्लेयर है, इसने 12 पे 16 दो मैच अक्सदीप ने इसको बैक टू बैक बोल्ड किया है, तो मैं तो अभी नहीं ले रहा, मैं इंडिया की साइड से दो पिक कर रहा हूँ जो कि सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा है। ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते हैं, पहला नाम आएगा हार्दिक पांड्या जो कि मैंने कप्तान बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग, लास्ट मैच में ओवर नहीं डलवाया गया, बाकी सब ने ओवर डाला, हार्दिक पांड्या से ओवर नहीं डलवाया, मगर हार्दिक पांड्या ने 3 कैचें पकड़ी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेहंदी मिराज जो कि भाई लास्ट ओवर मिलता तो शायद आपको कुछ अलग ही जलवा दिख सकता था, फिलहाल मैं ले रहा हूँ क्योंकि 3 ओवर डालता थोड़ी बैटिंग कर लेता। आर हुसैन भाई डेथ में ओवर दे दिया और 3 विकेट ले गया और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, इसलिए मैं पिक किया था। उसके बाद महमूदुल्ला जो कि दिल्ली जैसे ग्राउंड में बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके गया, आप देख सकते हो 39 पे 41 बिल्कुल स्लो डाउन बैटिंग थी, उतनी खास नहीं थी, मगर बांग्लादेश के साइड से तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग थी। रियांक पराग जो कि भाई 3 से 4 बॉलों में 2 छक्के मारे फिर 1 विकेट ले गया, तो भाई इससे पता चल रहा है इंडिया के पास ऑप्शन बहुत सारे, किसको ओवर डलवाए ये नहीं समझ में आ रहा, फिर भी बैकअप ऑप्शन लेके इंडिया चल रही है। वोटिंग है सुंदर जो कि भाई ने 2 मैच खेले, दोनों में विकेट लिए, 1 से 2 ओवर मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। नितेश कुमार रेड्डी जो कि भाई 2 ओवर
पहले मैच में डाले, दूसरे में बैटिंग से 60+ और 4 ओवर, पूरे 4 ओवर हार्दिक पांडे वाला रोल करता हुआ दिखा नीतीश रेड्डी। तो आप चाहो तो कप्तान वाइज का मस्ट पिक होने वाला है, क्योंकि चौथे बैटिंग 2 से 3 ओवर डाल सकता है, मगर लास्ट मैच में 17वां और 20वां ओवर डाला है, तो इससे पता चलता है इम्पैक्ट कितना है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, मेहंदी मिराज, आर हुसैन और नीतीश कुमार रेड्डी, 4 ऑप्शन बेस्ट है जो कि मैंने लिए हैं। बॉलिंग में अक्षदीप, जो कि पहले मैच में अच्छी बॉलिंग किया था और दूसरे मैच में भी 1 विकेट ले गया, प्लस 1 छक्का भी मार के गया है। एम रहमान, जो कि मैंने बताया इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ये 2 विकेट ले गया था। तस्कीन अहमद, इसने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 विकेट ले गए थे। वरुण चक्रवर्ती, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल में वापसी हुई है 3 से 4 साल बाद। और तंजीव साकिब, जो कि इसने भी 2 विकेट लिए, मतलब दिल्ली जैसे ग्राउंड पे पेसरों ने 2-2 विकेट लिए, जो कि बांग्लादेश के पेसर थे। अच्छी बॉलिंग मयंक यादव, जो कि भाई स्पीड है मगर अभी अभी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि विकेट उतनी बढ़िया ले नहीं पा रहा। तो फिलहाल मैं मयंक यादव भी लूँगा, क्योंकि इंडिया को जिताना है तो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और तंजीब साकिब, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहो तो तंजीब साकिब की जगह एम रहमान को प्रेफर कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। फिलहाल गाइस, बॉलिंग से अक्षदीप, वरुण चक्रवर्ती, तंजीब साकिब और मयंक यादव। गाइस टीम बिल्कुल तैयार है, आप कप्तान वाइज की तरफ चलते हैं। हार्दिक पांड्या और रेड्डी, जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, आप चाहो तो रेड्डी को भी कप्तान बना सकते हो, क्योंकि हैदराबाद के लिए ये खेलता है आईपीएल में। तो मैं आपके हिसाब से हार्दिक रेड्डी को बना दे रहा हूँ, क्योंकि रेड्डी को क्यों बना दिया कप्तान आप देख सकते हो गाइस, क्योंकि रेड्डी हैदराबाद के लिए खेलता है और बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करके गया था आईपीएल में। तो बैटिंग में हमने जो पिक किया है, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, मेहंदी मिराज, आर हुसैन, रेड्डी जो कि अपने कप्तान है, हार्दिक अपना वाइस है, अक्षदीप है, वरुण चक्रवर्ती और तंजीब साकिब और मयंक यादव। गाइस प्रेडिक्शन टीम क्लियर है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलेंगे फाइनल टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।